देखो 7.1 के हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी। 7.1 तुम करने को दी थी, अभी नहीं कराऊंगा 7.1। 7.1 कुछ देर बाद करवाऊंगा जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह मजबूत हो चुका होगा, हर प्रकार के सवाल में तुम कंफर्टेबल हो चुके होंगे। कैसा भी सवाल हो, कहीं का भी हो, कैसा भी सवाल हो, उड़ा दो। समझ में आया बात है? इसलिए तुमसे सिंसियरली रिक्वेस्ट करता हूँ, छुट्टी ना मारो, बर्बाद हो जाओगे। समझ में आया बात है? मेरा अच्छा खासा अनुभव है, ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, पहले बता रहा हूँ। तुम पढ़ना हो तो तमीज से पढ़ो, एडवांस किताब भी एडवांस साइड में लगा कर पढ़ो। जितना कंटेंट दिया जा रहा है, एक एक सवाल निकाल लो, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। ठीक, मैथमेटिक्स को पढ़ना पड़ता, ये 10th क्लास नहीं है, 11th क्लास नहीं है, दिस इज नॉट कोरोना, ये कोरोना भी नहीं है कि तुम आराम से शांति के साथ आओगे और पास हो जाओगे, नंबर ले जाओगे, उठाओगे, चले जाओगे। समझ में आई बात है? तुक्केबाजी कैसे तुम शिकार हुए बचपन से, तुम इसकी आदत पड़ी हुई इसकी, हम नंबर बटोरने की, नंबर से दुनिया से बाहर निकलो मेहनत करनी पड़ती है। हमने भी करी, जो हमारे साथ पढ़ रहे थे पिछले बच्चे उन्होंने भी करी, उससे पिछले पढ़ रहे थे उन्होंने भी करी, उससे जो पिछले पढ़ रहे थे उन्होंने भी करी। सब मेहनत करते जाते हैं, सब मेहनत का नतीजा हो। जो आज तुम हो, तुम्हारे प्रेजेंट पास्ट का तुम नतीजा, आज जो तुम हो, आगे तुम जो होने वाले हो, तुम भी तुम्हारे पास्ट का नतीजा हो, ये तुम्हारे प्रेजेंट का नतीजा होगा। अब सोच लो तुम्हें करना क्या, अगर तुम आज मेहनत करोगे तो तुम्हारा कल सुधरने वाला, अगर तुम आज मेहनत करनी छोड़ दोगे तुम्हारा अगले वाला जो टाइम है वो बिगड़ने वाला। अब तुम यहाँ से समय निकाल कर रात को 8 बजे घर तक चले आ रहे हो तो तुम दूसरों से अलग अलग जा रहे हो, क्योंकि वे तो अपने घर में पढ़ाई भी जाए पढ़े हुए सो रहे, वे भी 12th क्लास के बच्चे, अब तुम टाइम निकाल कर यहाँ आ रहे हो। और दूसरी खास बात यह कि मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, अपना एक जिस तरह मुझे समझाना चाहिए, अगर मैं टाइम के हिसाब से पढ़ाऊँ तो फिर इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता कि मुझे टाइम के लिहाज से पढ़ाना, कि मेरा मकसद टाइम से पढ़ा, टाइम तो मतलब नहीं है ना, मेरा मकसद वैसा तो मुझे सिलेबस पूरा करवाना। समझ में आया? सिलेबस पूरा करवाना और नॉलेज भी देनी कम समय मेरे पास, यूनिया में खाली हूँ। अगर मुझे कुछ और ना करना होता तो मैं गारंटी दे रहा हूँ लिख कर, तुम भी इतना ध्यान लगाता, पूरा फोकस लगा देता। अब तुम्हें खुद भी पढ़ना होगा, मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता रात को, जिस टाइम तुम सो जाते हो ना उसके 3 घंटे में लेट जागता हूँ और तुमसे पहले उठ जाता हूँ। समझ में आया बात है? इसलिए मेरी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा यूनिक हो, इसलिए मैं हम जिंदगी में ज़्यादा मज़ा मारते हैं। पता लगा जितना मज़ा क्यों मारते हैं? क्योंकि मेहनत भी इतनी ज़्यादा करते हैं। समझ में आया बात है? ठीक, और जितनी इतना ज़्यादा जितना ज़्यादा मेहनत करते हो ना, 2 घंटे कम सोते हैं, 2 घंटा पहले उठ जाते हैं, और तुम 8 बजे उठते हो, आया समझ में, 9 बजे सो जाते हो, और रोटी भी यहाँ तक भरते हो। शाम के टाइम हम रोटी नहीं खाते, खाना भी नहीं खाते, कभी कभी खाते हैं। समझ में आया बात है? इसलिए नहीं खाते ताकि जल्दी उठ जाए सुबह। चलो 12वां सवाल, एक्स्ट्रा सवाल, जो तुम आज जो तुम हमारे पढ़ रही ना, समझ आई बात, इसे झेल लो बस, इसे प्रसाद समझ कर पी जाओ। जिसे नहीं पढ़ रही ना, ये समझ जाओ उसकी ज़िंदगी में ना कुछ नया नहीं हो रहा, जिसे मार नहीं पड़ रही मेरे हाथ की, उसकी ज़िंदगी में कुछ अमूल चूल का परिवर्तन नहीं होने वाला। चाटा लग रहा है, झेल लो, मजा लो। आज तुम्हारा लग रहा है, आज तुम्हें लग रहा है कि बुरा, समझ वाली बात है, लेकिन यही अच्छा दुनिया में सबसे बेस्ट पूछो ना क्या, आज और अभी और इसी वक्त। गौतम बुद्ध ही पूछा था एक बार उसके शिष्य ने कि दुनिया में सबसे बेस्ट क्या है, जो कह रहे हैं आज अभी और इसी वक्त जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सबसे बेस्ट है। समझ वाली बात है? तुम्हारे जितने थोड़े थोड़े विचार डालने पड़ते हैं बच्चे तो। चलो हम सवाल करवाने वाले, 12वें नंबर का सवाल करवाने वाले हम। और हाँ, खास बात, इंपॉर्टेंट खास बात, NCERT की जो किताब है, NCERT, इसका एक भी सवाल नहीं छोड़ना चाहिए, ना एग्जाम्पल, ना सवाल, ना विविध। हर सवाल पर नज़र बनाए रखनी चाहिए, इधर से खोज करो, उधर से खोज करो, फिर कॉपी में हमेशा काम पूरा रखना चाहिए, हमेशा ये सोचना, यहाँ तो कोई काम नहीं छोड़ना, क्योंकि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, इसमें तो सिर्फ एक माध्यम हो। मैं बताता हूँ इस पढ़ना कैसे, अब कितना पूरा करना, कहाँ से पूरा करना, वो तुम्हारा काम होगा। समझ में आई बात है? मेरे तुम आज चले जाओ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें मुझे तो अगले साल भी पढ़ाना, अगर पढ़ाना होगा मुझे अगले साल तो मैं पढ़ाऊंगा, बच्चे मेरे पास आगे भी, मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लूँगा पढ़ाने में, तो हो सकता है मैं इतने बच्चे इकट्ठे हो जा, तुम्हें यह यकीन नहीं होने के, यहाँ इतनी क्लास पढ़ी हुई ना, हमारी पूरी गैलरी भर जाती थी, मुझे खुद नहीं इंटरेस्ट है पढ़ाने में। समझ में आया बात है? मैं इससे दूर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ रहा है, उसके बाद पढ़ाऊंगा मैं, टाइम लेगा। समझ आइए, मैं खाली होऊंगा तुम्हें पूरे दिन पढ़ाता हूँ, 90-90 बच्चे क्लास में बैठाए मैंने, यहाँ सामने जो बैठे हुए, ऐसी तैसी कर रखी थी दुनिया की, एक क्लास के 90-90 बच्चे। समझ में आया बात है? तो सब पढ़ के चले गए, अच्छे नंबर भी आए उनके, वे यूं नहीं आए नंबर ही है, अपनी रातें गवानी पड़ती है, यूं नहीं आए जाए तुम पढ़े सो गए, रब जहाँ था वहीं मौजूद है, रब जहाँ था वहीं मौजूद है। दुनिया से जब अलग जब हो तुम, नंबर फर्स्ट, तुम अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हो पढ़ाई में, दूसरा लगा रहा कहीं और टाइम, बाबू सोना के साथ टाइम लगाओ, तो बाबू सोना को टाइम रेस्ट दे दो, मटर गश्ती को रेस्ट दे दो, इंस्टाग्राम को रेस्ट दे दो, दोस्तों को रेस्ट दे दो, ये किसी काम के नहीं है, ये बाबू सोना 4-5 दिन की ज़िंदगी हो सबकी, ये शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम है, क्योंकि तुम्हें नॉलेज है नहीं अभी, अब तो तुम तो चूजे हो, चूजे कहते हैं चूजे के भी चूजे हो तुम। समझ में आया बात? तुम्हें इतनी नॉलेज है, तुम्हें तो बस पता है इंस्टाग्राम, मुझे ये भी पता है इंस्टाग्राम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इंस्टाग्राम कितने आगे जाने वाला, और इंस्टाग्राम कब बंद होगा, मुझे इतना भी पता, इतनी मैंने पढ़ाई कर रखी। समझ में आया बात? ये कौन सी कंपनियाँ कैसे भारत के अंदर एंट्री मारती है, कैसे भारत के अंदर जाती है, और कब जाने वाली, इतनी भी जानकारी है मुझे, और जब तक इतनी जानकारी तुम्हें नहीं हो जाती तब तक अपना मुँह चोचलेबाजी बंद रखोगे। समझ भाई, जो कहता हूँ करते चले जाओ, यकीन नहीं आता, गजनी से पूछ लो, गजनी पढ़ना जरूरी है नहीं है,
पूछ लव स्टोरी में कुछ मिला? लव इन्हें बता लव स्टोरी में कुछ मिला? हाँ लव स्टोरी थी ना तेरी? अच्छा उसकी वजह से फिर रहा देखिए लव स्टोरी। अच्छा ये पिछला वर्ग बैठा हुआ इसे समझा, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर कुछ है ना? अच्छा समझ में आया बात लोग इससे पूछ लो अनुभवी इंसान मत बता रहा तुम्हें। और ये सब उसको बजा हुआ मार पड़ी इसका वो माथा पकड़ करो यार। जब मैं इसको बजा रहा था ना तो उसको पता कितना बुरा फील हो रहा था कि भाई जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, भाई जी मेरी तो एक व्यक्तिगत जिंदगी हो, पर्सनल लाइफ है मेरी, ऐसा बोलता था। बाद में पता क्या हुआ जब आज पता क्या कहता, ये कहता है भाई जी अगर तुम उस दिन मुझे ना रोकते ना मारते ना आज मेरी जिंदगी तबाह हो जाती। समय हो सकता मैं घर छोड़ के भी जाने वाला था, इतनी भी उसकी सत बात हो चुकी थी इसकी, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी घर छोड़ के जाने वाला था। समझ में आया नहीं है? ठीक तुम्हें वही अंतिम वही मैं वही खिलाड़ी हूँ जो मैच को अंतिम समय पर जीता लेता, उसे कहते हैं धोनी। अब तो मेरे बाल भी बड़े हो रहे, समझ में आया बात यह? ठीक अपना टाइम दे रहा हूँ तुम्हें निकाल कर आराम से पढ़ लो, ये ज्ञान की बातें दोहर नहीं मिलने वाली बिल्कुल भी। मैं तुम्हें ज़्यादा पढ़ाने में बल देता हूँ, पहले मैं 2 घंटा समझाने में बल देता था, मेरे पास टाइम हुआ करता था। बच्चा ना घर जाकर उसका थर थर हाथ निकाल रुकता था नहीं, घर जाकर पेन जब भी रुकता था उठता था, छुट्टी तो छुट्टी जब भी उठता था, जब ट्यूशन का टाइम होता था टाइम देखता था बस कितनी जल्दी ट्यूशन का टाइम होगा। आज का बच्चा है ही टीचर से कम लगा हुआ ना बच्चे का, तो यही कारण ना जब दूर चले जाएगा ना बच्चा तो उसका मतलब वो विफल हो चुका। टीचर का साथ बच्चे का आंतरिक जोड़ा होना चाहिए, समझे, उसका दोस्त होना चाहिए, वो उसके साथ सारी लाइफ शेयर करता हूँ। मैं तो कितना फ्रेंकली रहता हूँ तुम्हारे साथ, तुम नहीं रहते मेरे साथ फ्रेंकली, समझो एक बात है। उसके लिए तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मैं करता हूँ जब तुम मेरे साथ इतना बोल सकते हो, समझ में आ? ठीक बात बात समझ में आ गई बात भाई जी तुम्हारे रहे थे समझ में आ? तो भाई ये नंबर ऐसे नहीं आते हैं जिन बच्चों को मारा, उन बच्चों के नंबर ज़्यादा क्यों आते हैं? उन बच्चों की यार खास बात होगी, कभी भी कहीं भी मार दिया ना ऐसे ऐसे लड़की दिखा दूंगा, भरे कॉलेज के सामने चाटा मारा मैंने, एक मुंह तक जुबान तक रही कॉलेज की, और नंबर प्रथम बीएससी के अंदर भी प्रथम, पूरा कॉलेज टॉप। अब चाटा पता क्यों मारा था? सेल्फी ले रही, मैंने कहा इस काम खाता रहती तू स्कूल में, तो उसे वहाँ बुरा लगा, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। 2 दिन तक तो ट्यूशन नहीं आई, फिर अगले तीसरे दिन ट्यूशन आई। अब बात समझ में आई कि चाटा क्यों मारा था, क्योंकि उसे ना कॉलेज टॉप करना था, समझ पाया? चाटा इसलिए मारा था, उस कॉलेज टॉप कर रहा था। अब आगे बोली कि मुझे कॉलेज टॉप करना था इसलिए चाटा मारा था अपने, 73% सब फैल हो पूरी क्लास में, ऐसा क्यों? बेवकूफ हम, मुझे क्या मतलब बढ़ रहा, मुझे पैसे नहीं मिल रहे, मुझे तो पैसे मिल रहे, मेरे तो मार मार टाइम ही वेस्ट हो रहा है प्रकार था, मुझे तो पैसे मिल रहे, लेकिन फिर मैं लोग कैसा कहलाऊँगा? ये भी तो खास बात होगी ना, समझ पाया बात ये, इसीलिए कहता हूँ। इसकी मुझे जब तक 12th क्लास तक मेरे पास बच्चा पढ़ता ना, मुझे उसकी व्यक्तिगत जिंदगी तो मतलब हो, अगर मेरे पास आगे पढ़ने की कोशिश करने की कोशिश करेगा तो तब भी मुझे व्यक्तिगत जिंदगी मतलब मैं धक्का देकर बाहर निकाल दूँगा, तो बेटा जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है यार, अब तुम उम्मीद कर दिया जाता, अगर तुम्हारे पास इच्छा तुम कामयाब होना तो रुक जाओ यहाँ, समझ वाली बात है। चलो एंसर तो जो मार दिया जाना मार पड़ दिया, इसे ग्रहण कर लो, प्रसाद है ये आज का प्रसाद है ना, अभी तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे नीम के पत्ते चाप रहे हो, ये नीम के पत्ते ना इन फ्यूचर मिठास देने वाले, ऐसे नीम के पत्ते को चाबने में भलाई हो, समझ में आया बात यह? ये नीम के पत्ते मिठास देने वाले, जो घर में पड़े हुए इस टाइम सो रहे हैं ना, तुम रात को यहाँ ट्यूशन आ रहे, तुम्हारा भविष्य चमकने वाला, तुम उस दिन बात समझ में आगी, वीडियो देख लेना आज जाकर, समझ में बात। ये 7.7 चैप्टर पढ़ा रहे थे, 3rd-4th नंबर की वीडियो थी जब पढ़ा रहे थे ना, ये बात हमें क्लास में समझाई थी भाई जी ने, और आज हम पास हो गए, आंतरिक खुशी महसूस होगी, समझ में आया? आंतरिक खुशी महसूस होगी पास होने के बाद, जब रिजल्ट आओ ना अलग महसूस हो, ऐसा लगा बहुत बड़ी जेल से बाहर निकले हो, अलग हो द्रुत पावर हो, आया समझ में? देखने को रिजल्ट मन नहीं करता, ऐसा बोल लोगे जो रिजल्ट खोल रहा हो ऐसा लगा दुनिया का सबसे बड़ा जल्लाद यही है, आया समझ में? अगर इसने अच्छे नंबर नहीं बताए ना तो जल्लाद, अगर इसने बताया ना फर्स्ट तो थोड़ा साहस, और बताया ना 450 के पार, हाँ गजब, समझ में आया बात यह? इसके लिए मेहनत करो, उस एक दिन के लिए मेहनत करो, इसे ये क्यों? क्योंकि तुम्हें सुकून नहीं मिलता, तुम्हारे जो पेरेंट्स थे पिक्चर उन्हें बड़ा भारी सुकून मिलता, देखिएगा उनकी समाज में भी बेइज्जती रहती है तुम्हारी वजह से, तुम्हारे अगर नंबर कम आते हैं, ठीक जो जो महिलाएं ना तुम्हारी माताएं घर से बाहर भी नहीं निकल पाती, तो मुझे जैसे सुना है तुम्हारी लड़की फेल हो गई है, ठीक जब कहीं बात करते हो तो घर से बाहर भी नहीं निकल पाती, सुना तुम्हारा लड़का फेल हो गया? अच्छा पढ़ता नहीं था, सारा दिन घर से बाहर रहता था,
नए नए तर्क देती है, समझ रहा? और क्या करोगे फिर? मैंने कितनी बार समझाया, मैंने कहा करोगे क्या? अगर मैथमेटिक्स पढ़ भी लिया, इस मैथमेटिक्स का करोगे क्या? मैथमेटिक्स में ज्ञान जरूरी हो, मैथमेटिक्स दिमाग खोलने वाला टाइम हो, ये दिमाग खोलने का टाइम है। मैथमेटिक्स तू इसलिए पढ़ा जा, 100 नंबर लाना बहुत आसान बात है, प्रैक्टिस करो जान लगा कर, एक भी सवाल ना छोड़ो, एग्जाम्पल सहित करो प्रैक्टिस, टाइम बहुत पड़ा हुआ, 4 महीने में जबरदस्त प्रैक्टिस हो, 3-4 महीने में भयंकर वाली प्रैक्टिस हो, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सके, सब संसाधन मौजूद है, बस पढ़ने वालों की कमी। ठीक, आज ठान लो कल को मान लो, जो जहाँ जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे, इंसान सोच वाला परिंदा हो, जहाँ जैसे सोच लोगे तुम ऐसे बन जाओगे। हम क्या कोई अमीर आदमी, मैं अपने मेरे घर का साझा थोड़ा ही, वो तो बड़ा, हम लोग तो दिहाड़ी कर रखी, मेरा बाप तो मजदूर था, समझ में आ बात है, तो हमको अमीर घर की औलाद थोड़ी है, जहाँ तुम समझा रहे खड़े हो, अपना पर बीती, तुमने किसी भी नहीं करी होगी दिहाड़ी, मैंने कर रखी, मैं बताता हूँ कैसे होता है, दूसरे घर में खेतों में काम, दूसरे घर में घुस गिरना क्या हो हम लोग बताएंगे तुम्हें, दूसरे खेत में गेहूं काटना क्या हो मुझे, मेरे तो पूछ लो, दूसरे खेत में खेत घास घास खोदना क्या हो मेरे से पूछो, मैं बताएंगे तुम्हें, तुम्हें थोड़ा ही पता, तुम तो बस आए घर, तो पैसा आया उठाया यूज़ करा इस्तेमाल कर लिया बस, अभी पेरेंट्स तो पूछो बताएंगे पैसा कहाँ से आता जो तुम्हें पैसा दे रहा ट्यूशन पढ़ने के लिए, स्कूल पढ़ने के लिए, भेजने के लिए, इसलिए दे रहा तुम्हें पैसा ताकि तुम घर घर बैठ कर नई नई आईडी बना के इंस्टाग्राम चलाओ, इन आज डिलीट मार दो, आए समझ में, ताकि तुम उस पैसे को गलत यूज़ करके, मिस यूज़ करके, अलग अलग चुपके से चोरी फोन रख कर तुम बात कर सको, आए तो ताकि तुम अपने अनपढ़ माँ बाप का बेवकूफ़ बनाओ, इसलिए ना तुम्हें पैसा जाता हो, समझ में आया बात या? इस पैसे का महत्व समझो क्या है, इसका मतलब इसका ये मतलब नहीं होता कि तुम बैठो बताया था कुछ और, देखो उसके बाद पढ़ रहे तो कुछ और, सामने मेरा वीडियो चला लिया, वीडियो चला था दूसरा, समझ में आया बात या? ऐसे भी करते हैं बच्चे, तो ऐसे नहीं करना, जो करना दिल से करना, जो करना नहीं करना, एक बार सोच लो कि पढ़ना तो फिर तमीज़ से पढ़ना, नहीं पढ़ना तो पढ़ना नहीं, रात को पढ़ने का मतलब पता क्या है, सामने वाला टीचर तुम्हारे प्रति संवेदनशील है, अपना टाइम दे रहा निकाल हो तुम, तो तुम ये जो तुम्हारे लिए तुम्हें लग रहा नहीं टाइम, तुम्हारे टाइम वेस्ट जा रहा, उसके लिए सोना साबित हो सकता, जो टीचर तुम्हें पढ़ा सकता ना वो 2 घंटे पढ़ के इतिहास बदल बना सकता, पढ़ के खुद, जो इतने बच्चों को पढ़ा के चला गया, पढ़ा रहा हो, आए समझ, इतने सारे बच्चे पढ़ के चले गए, कामयाब होकर चले गए, अच्छे अच्छे नंबर लेके चले गए, अगर वो खुद पढ़ ले तो कहाँ हो जाएगा वो, कहाँ पहुँच जाएगा वो, उसके सिर में दर्द है क्या? वो जो तुम्हें पैसा कमाने की तकनीक बता रहा है, क्या वो कभी पैसा नहीं कमा सकता? क्या वो पैसे के लिए पढ़ा रहा? जो तुम्हें पैसा कमाने की तकनीक सिखा रहा हो, तुम्हें पैसे के लिए पढ़ा रहा था, तो वो समझ में आया बात है, तो समझना चाहिए ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें अभी काम नहीं आने की, इन फ्यूचर काम आ गई तुम्हें, अब इसलिए तुम इसलिए माफ़ करता रहता हूँ कि तुम छोटे छोटे बच्चों, धीरे 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 मेरी बातों का तुम पालन करोगे, समझ में आया, बड़े होते चले जाओगे, अकल ना होगी तुम, हम दुनियादारी देखे हैं, सब बताए हम दुनियादारी पर, इसलिए बहुत सीरियस होकर पढ़ो, 4 बजे खाट छोड़ दो, कितने भी हल्का सारा उठ जाओ, याद करना शुरू कर दो, कोई नहीं समझाने वाला, समझ आई बात यार, टीचर अब कोई नहीं है, ख़त्म हो गए टीचर अब, समझ में आया बात यार, टीचर अब ख़त्म हो चुके, मेरे बात किसी का नंबर नहीं है, कोई समझाने वाला किसी को, गारंटी देना हूँ लिख कर, ठीक, हर 12 साल 10 साल बाद एक सोनू ऐसा पैदा होगा, 10-12 साल बनाएंगे, 10-12 साल लगेंगे, तब एक जाके एक सोनू ऐसा टीचर पैदा होगा जितना बच्चों को डांट फटकार कर पढ़ा देगा, हिम्मत नहीं है किसी की बेटे, इसलिए कह रहा हूँ पढ़ लो तुम, ये सोच लो, ये मारना देखो, अभी तो तुम मार दिखाई दे रही है, मार पड़ रही, मुझे क्या मिल रहा है, चलो जाओ, 4x³ + 3x² + कितना बैठा का 2x + कितना 4 ( dx, मेहनत करनी पड़ती है, कर दोगे सवाल को, पक्की बात, ठीक आई बराबर, तो कैसे करोगे बताओ, उससे 4 4 जुगा तू रखा जाएगा, इस तो मतलब इसके करोगे x³ कितना बैठा का 4 / कितना 4 + 3x³ एक जोड़ दोगे इसमें, 3 / कितना 3 + 2 घात कितनी 1 x²² / कितना बैठेगा 2 + 4 का क्या बैठेगा 4x + कितना बैठेगा c, आराम से हो गया, 200 क्या कट जाएगा 2 4 से क्या कट जाएगा 4, आंसर चलाया नहीं है, 3 से 3 में क्या चल जाएगा, शाबाश, अब 13वें नंबर का सवाल, 13वें नंबर का सवाल तुम्हारा होगा, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, सवाल देख लो क्या हमारे पास मौजूद है, आई बराबर, अब बताना किसके दिमाग में आ रहा है कि हम सवाल को कर सकते हैं, √x ( ये लिखा हुआ x³ / 2 प्लस, यहाँ लिखा हुआ बेटे माइनस 7x⁵ / 2 ये लिखा हुआ सवाल, उसके बाद लिखा हुआ प्लस, ये लिखा हुआ 9, किताब में नहीं मिलने का एक्स्ट्रा सवाल करवा रहा हूँ मैं, 7/2, ठीक, किताब के भी नहीं करवा रहा हूँ, 7.1 का भी नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन 7.1 के बेस के सवाल करवा रहा हूँ, लेकिन हार्ड हार्ड लेके जा रहा हूँ, ये सीख लेना, उसके तो आराम से छोटे छोटे दिखा देंगे तुम,
तो इसके ना अगर ये ना होता ना, इसका समाकलन हम आराम से कर देते, इसका घातवान करते, एक्स की पावर एन के एन वाला समाकलन लगाते, एक जोड़ते इसमें एक ही नीचे जोड़ते, एक इसमें जोड़ते एक ही नीचे जोड़ते, एक इसमें जोड़ते एक ही नीचे जोड़ते, अगर ये ना होता। लेकिन इसने ना इसने मामला पेंच फंसा दिया हमारा। ये घात रूट नहीं है, रूट का मतलब एक बटा दो नहीं बताया। इसकी ना पहले इसमें गुणा करेंगे, इसकी फिर इसमें गुणा करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे, और गुणा करके ना जोड़ेंगे। ये इसका मतलब ये बताओ, इसका मतलब क्या बताया गया? रूट नहीं बताया। रूट का मतलब कितना बताया गया? एक बटा दो। एक्स के एक्स में गुणा करेंगे, अब यहाँ गुणा करेंगे आई बराबर, पहले हल बनाओ, हल करके आसान बनाओ उसे, एक ही ब्रैकेट लगा लो। एक्स के एक्स गुणा करेंगे तो तुम बता, एक्स तो एक बार लिखोगे, घात 3 और 1 कितना बैठेगा? 4, 4 बटे कितना? 4 4 बटे 2 बैठेगा नहीं, -7 एक्स की पावर, एक्स की पावर 1/2 की गुणा एक्स, इसमें गुणा करेंगे, देखो एक्स की पावर 1/2 हो, इसी गुणा करोगे, एक्स की पावर कितना लिखा हुआ? 5/2, 5/2 नहीं लिखा हुआ यहाँ से। एक्स की पावर लिखो कितना बैठेगा? एलसीएम ले लोगे कितना बैठेगा? 2, 5 कितना बैठेगा? 6, 2 तो कट्टा कितना बैठेगा? 3, एक्स की पावर कितना बैठेगा? 3। तो बताओ एक्स की पावर 1/2 की गुणा एक्स की पावर 5/2 में करोगे, एक्स की पावर 1/2 की गुणा एक्स की पावर 5/2 में करोगे तो कितना बैठेगा? एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ये बता दो, ये एक्स की पावर 3 कैसा है? समझ में आया? एक्स की पावर 1/2 की गुणा इसमें करी आया, चिन्ह कहेगा प्लस का, ये क्या लिखा हुआ? नो। अब एक्स की पावर 7/2 गुणा इसमें करोगे, ये एक्स की पावर ये हो 1/2, आया समझ में? गुणा करोगे एक्स की पावर 7/2 तो गुणा में घात जुड़ नहीं जाती। एक्स एक्स एक बार लिख देते हैं, 7 कितना बैठेगा? 8, 8/2 कितना बैठेगा? 2, कट कितना जाएगा? एक्स की पावर 4, 9 एक्स की पावर 4, ब्रैकेट क्लोज, पीछे क्या लिखा हुआ? डी एक्स। ठीक, तुम सोचते होंगे इसका, इनका सवालों का जिंदगी तो कोई मतलब नहीं है, इनका जिंदगी तो मतलब रियलिटी बता रहा हूँ, इनका जिंदगी तो मतलब। हाँ, वो कट जाएगा ले, शाबाश, वेरी गुड ले, बता इसकी भी समझ में आ रहा है, भी इंजॉय लेगा सवालों का। एक्स की पावर कितना बैठेगा? 3, बटे कितना बैठेगा? 3, क्या बैठेगा? -7, एक्स की पावर 1 इसमें जोड़ दो, 4, बटे में कितना? 4, प्लस 9, एक्स की पावर 5, बटे में कितना? 5, प्लस से। तुम्हें क्या लगता होगा कि हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी? हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी? हमारे पास दिल नहीं होता होगा? हमारा हंसने का, खेलने का, इनका सबका मन नहीं करता होगा, मस्ती करने का? लेकिन हम ना बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ने के बाद ना फिर सोचते हैं, समझते हैं, दुनिया को देखते हैं, तो फिर निष्कर्ष निकालते हैं ये सब चीज़ सही नहीं है। अगर हम अब भी ये काम करेंगे तो फिर तुम क्या करोगे? सब लोग क्या करोगे फिर? समझ में आया बात ये? तो दूसरों से अच्छी ज़िंदगी जीनी ना, तो दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी सीख लो आज ही भी। दिमाग में डाल लेना ये जो बातें बताई गई, 4-5 मूल मंत्र। अच्छी लाइफ जीनी ना, अच्छी लाइफ काटनी तो रातों रातों मेहनत करनी सीख लो, रात को दिन में बदलना सीख लो, पता ना चला कि मैथ निकालते निकालते कब रात गुजरेगी। समझ में आई बात? अगर तुम 12वीं क्लास में पढ़ते हो और तुमने ना अपनी कई रातें नहीं गुजारी, बिना सोए गुजारी तुमने कई रातें, इसका मतलब तुम क्लास में पढ़ रहे हो। यू आर नॉट स्टडिंग इन दिस टाइम एंड 12th क्लास। यू आर अंडरस्टैंड? आर यू अंडरस्टैंड? ओके, नोट कर लो। 13वें नंबर का सवाल, 13 तक के सवाल देख लो, एक बार सवाल, 14 नंबर का सवाल। आई बराबर समाकलन, ये लिखा हुआ √x, एक्स की पावर 3/2, 5 एक्स की पावर 7/2, माइनस एक्स की पावर माइनस 5/2 डी एक्स। ऐसा सवाल है जैसे 13वां सवाल था, अभी करके दिखाओ मुझे ये वाला सवाल अभी। चलो 2 मिनट का टाइम दिया तुम्हें, देखो कहाँ दिक्कत कर रहे थे तुम। आई बराबर, इसे तुमने एक्स की पावर 1/2 मान लिया, जब मान लिया इसे हल कर लो, कैसे करा तुमने से? ऐसा करा होगा एक्स की पावर 3 और 1 4, 4/2 कट कर चला जाएगा 2, माइनस ये क्या लिखा हुआ? 5। एक्स की पावर 1/2 की गुणा इसमें करोगे तो 2 2 का एलसीएम सेम होगा, 7 और 1 8, 8/2 कट कितना जाएगा? 4। एक्स की पावर 4 माइनस, यहाँ देखो एक्स की पावर माइनस की 1/2 है, माइनस के 5/2, इसकी गुणा करोगे एक्स की पावर 1/2 में, तो एक्स एक्स एक बार लिखोगे, एलसीएम ले लोगे 2 आ जाएगा, तो माइनस के 5 प्लस के 1, एक्स की पावर बैठेगा माइनस के 4 बटे में 2 कट कर माइनस के 2, तो बैठेगा एक्स की पावर माइनस के 2। अब इसका समाकलन करना, ये नहीं हो रहा तुमसे। आई बराबर एक्स की पावर कितना बैठेगा? 3, बटे कितना बैठेगा? 3, माइनस 5 एक्स की घात 5, एक घात बढ़ जाएगी ना वहाँ, यहाँ कितना बैठेगा? 5, माइनस एक्स की पावर माइनस के 2 प्लस के 1 बटे में माइनस के 2 प्लस के 1 प्लस के सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले से कर लो। एक्स की पावर कितना बैठेगा? 3, बटे कितना बैठेगा? 3, माइनस 5 तक 5 कट जाएगा, एक्स की पावर कितना बैठेगा? 5, माइनस माइनस यहाँ कितना बैठेगा? एक्स की पावर माइनस के 1 पूरे के बटे में माइनस के 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आया समझ में? नीचे एक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कितना लिखोगे सी? इससे ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सको? 1/x लिख सको उसे, क्योंकि घात माइनस के नीचे जाएगा प्लस क्यों जाएगा के बटे में, इतना अंतर आ जाएगा हमारा। कितने सवाल हो गए? 14। 15 नंबर का सवाल लो, कहाँ गया बबीता का रुमाल? हो रहा है क्वेश्चन नंबर
15, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा, कहाँ गई मेरी बुक, कहाँ गई। देखो क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखना अच्छे तरीके से, और इसे करके दिखाना अच्छी तरीके से, अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसा ही है, आई बराबर मतलब यूनि वन तुम सर, क्या तो तुम डूब कर जाना, नहीं तो मैं धक्का दे दूंगा तुम्हें। रूट एक्स ब्रैकेट, यहाँ लिखा हुआ 3x2, गलत नहीं जाए इसका आंसर, प्लस 2x प्लस के 3, पीछे लिखा हुआ dx। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा आंसर, चलो जाओ देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा आंसर, उसके से बता दे नंबर, वहाँ बोर्ड पर समझ लिया अच्छी तरह, आराम आराम तो समझाऊंगा मैं इसलिए। आई बराबर ध्यान से, चलो मान लो इसे क्या लिखना चाहोगे, इसे इसे एक्स की पावर 1/2 इतना तो लिख लोगे, जो लिखा हुआ 3x² प्लस क्या लिखा हुआ है 2x प्लस क्या लिखा हुआ है 3, ब्रैकेट बंद, पीछे क्या लिखा हुआ है dx। आई बराबर, अब x की पावर 1/2 गुणा x² में करूँगा मैं, x की पावर 1/2 हो इसी गुणा करूँगा x² में। अब बताओ कैसे गुणा करूँगा, जो सेम संख्या होगी से एक बार लिख देते हैं, रूल हो मैथमेटिक्स का, इसे जोड़ देते हैं। अब बताओ कैसे जोड़ोगे, 1/2 में हम 2 जोड़ दोगे, तो 2 × 2 = 4, 5/2 बैठेगा नहीं बैठेगा, तो x की पावर कितना है 5/2, इसका मतलब इसकी गुणा इसमें करोगे, x की पावर ये आया हमारा ब्रैकेट 3x^5/2 आया नहीं आया, चिन्ह क्या का प्लस का, अभी ना लिखियो पहले समझ लो। अब ये 2x तो 2 को तो छोड़ दो, x वाले की गुणा होगी इसके साथ, अब x की घात कितनी है 1, अब x की पावर 1/2 हो, x की पावर 1/2 गुणा करोगे मैं x की घात 1 में, तो गुणा करोगे जो सेम सेम संख्या होगी से एक बार लिख दोगे, x x एक बार लिख दोगे, गुणा में घात जोड़ोगे, ये 1/2 हो इसमें एक जोड़ोगे, तो 2 × 2 = 3/2, तो गुणा करने के बाद कितना आया 3/2 आया, नहीं जोड़ने के बाद 3/2 आया नहीं आया, तो इसकी गुणा हमने इसमें करी तो x की पावर कितना आया 3/2, तो 2x की पावर कितना बैठा 3/2, चिन्ह क्या का प्लस का। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे, यानी जो 3 है ना यहाँ लिख देंगे सामने, तो बैठेगा 3x^1/2 और ब्रैकेट कितना बैठेगा क्लोज, ठीक dx बैठा। अब इसका समाकलन करेंगे हम, अब इसका समाकलन कैसे करेंगे, 3 तो मुझे मतलब नहीं है, ये क्या लिखा हुआ x पूरी की पावर इसमें क्या जोड़ दो, एक ही जोड़ दोगे इसमें, ये तो रूल हो, घात का समाकलन कैसे करो, बटे में जो चीज़ ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे, 5/2 और प्लस कितना बैठेगा 1 प्लस, ये क्या लिखा हुआ 2, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ x की पावर कितना जोड़ोगे इसमें, कितनी जोड़ोगे 3/2 प्लस के 1 और पूरे के बटे कितना बैठेगा 3/2 और प्लस कितना बैठेगा 1 और प्लस के, ये क्या लिखा हुआ 3x^1 कितना लिखा हुआ 2 प्लस के 1 और पूरे के बटे कितना बैठेगा 1/2 और प्लस के 1 और प्लस के सी, इसे हल कर लोगे। तुम्हारे लिए खोल कर समझा रहा हूँ मैं, समझ में आया बात, या 3x^5 कितना बैठेगा 2 × 2 = 2, 2 × 5 = 7, 7/2 ये हम नीचे 7/2 हो जाएगा, फिर अभी 7/2 हो जाएगा ना, इस 2 की ऊपर गुणा हो जाएगी, 2 × 3 बैठेगा 6, तो 6/7 हो जाएगा प्लस, अभी हमें कितना बैठेगा 2x^2 2 × 2 = 5, 5/2 बटे में नीचे भी कितना बैठेगा 5/2 बैठेगा, इनका जोड़ोगे उसके बाद चिन्ह क्या प्लस का, जो क्या लिखा हुआ 3x^2 कितना बैठेगा 3 × 3 देखो 2 × 2 = 3/2 पूरे के बटे में नीचे कितना बैठेगा 3/2 प्लस कितना बैठेगा 80, अब ये वाला पोर्शन है ऊपर चला जाएगा गुणा में, ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा गुणा में, ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा गुणा में। अगला सवाल तुम अभी ऐसे करना, आई बराबर कितना बैठेगा बताओ, 2 × 3 कितना बैठेगा 6, 6/2 कितना बैठेगा 7, एक्स की पावर कितना बैठेगा एक्स की पावर 7/2, चिन्ह क्या का प्लस का, 2 × 2 कितना बैठेगा 4/2 कितना बैठेगा 5, एक्स की पावर कितना बैठेगा 5/2 बैठेगा नहीं बैठेगा 5/2, चिन्ह क्या का प्लस का, 3 × 2 कितना बैठेगा 6/2 कितना बैठेगा 3, यू एक्स की पावर कितना बैठेगा एक्स की पावर 3/2, चिन्ह क्या का प्लस का, प्लस कैसे आएगा, ऐसा करना सवाल पूरा का पूरा, ये समझ में पूरा आया होगा आराम से शांति के साथ, इसे उतारो ठीक, अगले वाला सवाल देता हूँ करो सर, जिसका नहीं आएगा उत्तर, जैसे टेप टेप के लिख रहा था, ये वाला सवाल है 16 नंबर का, ये वाला करके दिखाओ जस्ट अभी, आई बराबर रू समाकलन ब्रैकेट 1 − x रूट एक्स, बिल्कुल इसके जैसे सवाल सेम सवाल करो, रूट एक्स को हम क्या मान लेंगे, एक्स की पावर 1/2 अंदर गुणा कर दो, जहाँ गुणा नहीं होने मेरे तो पूछ लो किसी बच्चे को, लेकिन करो सर तुम दी 2 मिनट जाओ, देखते सबसे पहले जिसका नहीं हुआ वो भी देख लो कैसे करोगे। आई बराबर ध्यान तो देखना अच्छे तरीका, समाकलन ये लिखा हुआ 1 − x, ये लिखा हुआ x ब्रैकेट x की पावर कितना लिखा हुआ 1/2, ये क्या लिखा हुआ dx, गुणा कर दो, इसकी पहले इसमें गुणा करेंगे फिर इसकी गुणा करेंगे इसमें, और गुणा करनी सिखाते हैं, समाकलन लगाया ब्रैकेट x की पावर कितना बैठेगा 1/2, चिन्ह क्या का माइनस का, इसकी गुणा इसमें करो, ये x की पावर 1/2 गुणा x की पावर 1, x एक बार लिख दोगे, 1 × 1/2 जोड़ोगे 3/2 बैठेगा, बैठेगा नहीं बैठेगा, x तो एक बार लिख दोगे 1 × 1/2 जोड़ोगे, तो 1 × 1/2 नहीं जोड़ सकते, तो 3/2 आएगा, तो x की पावर बैठेगा 3/2,
अब इसका समकलन करना सिखाया था तुम, कई बार सिखा चुका मैं, इसका समकलन तो आराम से कर लोगे। आइए बराबर एक्स की पावर, इसमें एक जोड़ दोगे, 1/2 + 1/m, 1/2 + 1 - एक्स की पावर 3/2 + 1/m, 3/2 और प्लस कितना बैठेगा 1 और प्लस कितना बैठेगा सी। आई बराबर एक्स की पावर 2 × 2 = 3/2 / 1 कितना बैठेगा 3/2, चिन्ह क्या माइनस का। एक्स की पावर कितना बैठेगा 2 × 2 = 3 = 5, 5/2 / 2 कितना बैठेगा 5/2 और प्लस कितना बैठेगा सी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना बैठेगा आई बराबर 2/2 कितना बैठेगा 3, ये क्या बैठेगा एक्स की पावर 3/2 कितना बैठेगा 2 माइनस कितना बैठेगा 2/5, एक्स की पावर कितना बैठेगा 5/2 प्लस के सी, ये बैठेगा ठीक। ये 16 सवाल था, मैं 17 सवाल देने जा रहा हूँ, इसे करना, इसे करके दिखाना है इसे, जिसका 16 का आंसर नहीं आता उतार लो यार, करो सर जिन्हों, देखो दिक्कत कहाँ हो रही, जब तक तुम नहीं सीखने गए ना तो जिंदगी में कभी गणित नहीं आएगा तुम। अगर तुम सोचोगे ना यही क्या हुआ, यही क्यों हुआ, जब तुम सवाल पूछोगे ऐसे ही क्यों करा, जब तक तुम सवाल नहीं पूछोगे जब तक कभी गणित नहीं आएगा, इस पर नहीं हो रहा ठीक। अब जो पहले पढ़ रखे हैं मेरे पास, ये इनसे टेंशन नहीं होती गणित में, क्यों नहीं होती, फटाफट धड़ धड़ करके दिखा देते, क्योंकि 10वीं में भी, 11वीं में भी और 12वीं में भी इसका बहुत गहरा इफेक्ट पड़ रहा है, 9वीं 10वीं 11वीं का पढ़ने का कैलकुलेशन। 16वीं के बाद 17 सवाल बजाओ, वहाँ कैलकुलेशन नहीं सिखाया जाए, 17 सवाल बजाओ, आ जाओ 17वें नंबर का सवाल समझाने जा रहे तुम, ये तो बहुत आसान है, इसे तो कर देना यार, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। समाकलन आई बराबर सवाल का ना स्टाइल बदला, √x - 1/√x पूरे का होल स्क्वायर, कल भी करवाया था इससे इसके जैसा सवाल, जाओ करो, 2 मिनट दी तुम सवाल करने की, देखते कौन आंसर बताएगा इसका, चाहे हो या ना हो लेकिन पूरा दम लगाया करो सवाल को, पूरा दम जितना हो सके दम इतना लगाओ, देख लो इतनी देर में काम हो जा, इधर देख लो, इधर इधर देख लो, आई बराबर ये खुद ही कह रहा है बाबू सोना a - b का होल स्क्वायर खोल देना, ऐसे देखो √x पूरे का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब √x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × a का मान कितना √x, × b का मान कितना 1/√x, ब्रैकेट बंद, पीछे कितना लिखा हुआ dx, ये बचपन में सिखाया था कक्षा 10वीं सिखाया था, कक्षा 9 में और क्या सिखाया जा, धड़ धड़ देखो कैसे खुल जाए इसका सूत्र, जब भी किसी संख्या कोई संख्या रूट में हो कभी भी जिंदगी में और कर रहे हो उसका स्क्वायर तो 200 में से रूट कट जाता। समाकलन ब्रैकेट कितना बैठने वाला है एक्स प्लस इसका एक का स्क्वायर करोगे एक, मैथ का खेल केवल प्रैक्टिस का, जो सोचेगा ना कि आज ही मुझे प्रैक्टिस करनी मेरे पर क्यों नहीं हो रहा है, जैसे सोचेगा कि मैं बुद्धू तो नहीं रह जाने वाला उस पर ही सवाल लाऊंगी, एक का स्क्वायर एक, इसका स्क्वायर खोलो कितना बैठेगा एक्स माइनस 2, यहाँ से इसे काट कट नहीं जाएगा इस तरह तो 2 × 1 कितना बैठेगा 2। अब देखो सवाल उसी मोड़ पर पहुँच चुका, हम इसका समाकलन नहीं कर सकते थे, हमने खोल कर सरल बनाया, सरल बनाने के बाद ऐसे मोड पर ले आए, ऐसे मोड को बोलते हैं बेवफा मोड, बेवफा मोड, फिर उसका कर दो बस समाकलन। आई बराबर घात कितनी है 1 × x² / 2 कितना 2 प्लस 1/x का लोग समाकलन क्या हो लोग x, सूत्र लिखवा था 1/x का समाकलन का लोग x हो, 2 का कितना बैठेगा 2x, 5 होता तो 5x प्लस के सी बैठेगा आंसर इसका। इसके जैसे सवाल दे रहा हूँ एक, इसके जैसे सेम सवाल वो करके दिखाओ, इसे उतार लो। 18वां सवाल समाकलन आई बराबर 2√x - 1/√x पूरे का होल स्क्वायर पीछे dx, जानम देख लो मिट गई दूरियां, ये सवाल यहाँ है यहाँ देख लो, जरा आंसर सबसे पहले बताएगा उसके 100 नंबर आएंगे, समझ लो क्या करना क्या है। देखो कोई चीज़ ऐसा होना है सर a - b और पूरे का होल स्क्वायर, ये बचपन का सूत्र हो, बचपन का सूत्र और बचपन का प्यार हमेशा याद रखना चाहिए, a² - b² - 2ab बचपन का सूत्र नहीं, लंगोटिया यार और 11वीं का प्यार कभी साथ नहीं देता, क्या कहा लंगोटिया यार और 11वीं का प्यार कभी साथ नहीं देता, इधर इधर अच्छा 12वीं का याद देगा, अरे 11वीं 12वीं की दोनों की बात कर रहा हूँ मैं इधर। आई बराबर समाकलन देखो ये सूत्र ने संकेत दे रहा है, ये कह रहा कोई चीज़ ऐसा दिन ऐसा खोल सकते हो सर, ऐसा दिन ऐसा खोल सकते तो ऐसा दिन ऐसा खोल सकते हैं, जब यहाँ ए था तो ए का स्क्वायर कर रहा था, एक ही जगह 2√x तो 2√x करो हम ब्रैकेट में लिखेंगे उसका खोल देंगे स्क्वायर,
चिन्ह कहाँ का प्लस का, जब यहाँ एक बटा रूट एक्स, तो एक बटा रूट एक्स उस ब्रैकेट में लिखोगे, उसका खोल दोगे स्क्वायर माइनस टू गुना, या टू ही नहीं गए हो, ए की जगह लिखेंगे पूरा का पूरा मान, ए का मान है ना। ऐसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी चीज़ को फिर ऐसे लिख सकते हैं, ये समझा जा रहा तुम। दो गुना ए का मान कितना, दो रूट एक्स, गुना बी का मान कितना, एक बटा रूट एक्स। तो जो बच्चा सवाल में ये सूत्र नहीं खोल पा रहा है ना, इसका मतलब उसकी कंडीशन बहुत पुअर है। लेकिन उसकी कंडीशन इतनी भी पुअर नहीं है कि मैं उसको बैठा का समझाऊं और सीख ना सकता हो, ठीक। इसका मतलब उस दिक्कत या नहीं है, दिक्कत या वो सीखना नहीं चाहता। मेरे पास इतनी क्षमता है, मैं बहुत गरीब गरीब बच्चे को पढ़ाऊँ, गरीब ऐसे नहीं आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से जो बहुत गरीब से, जिनके दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ था, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि उन्हें सीखना और कैलकुलेशन सीखनी। मैं अलग से भी समझाया हूँ कैलकुलेशन, बैठा बैठा का दो दो घंटे, तीन तीन घंटे, और 3 दिन में परफेक्ट कर दूँ सारी कैलकुलेशन, कैसे सूत्र खोल लेंगे, कैसे अट्ठापट्टी करते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे जोड़ करते हैं, कैसे घटा करते हैं, समझ में आया। फिर पूरी ज़िंदगी काम आती है उसकी, लेकिन सीखने की इच्छा होनी चाहिए। लेकिन बच्चे प्रैक्टिस भी तो करते हैं घर जाकर, ऐसा थोड़ा किताब मार दी फेंक, हम नहीं जा रहे ट्यूशन, और देख रहे बैठे हो मोबाइल फोन में बैठ कर रील कर, आ हा ऐसे देख रहे जैसे अवंत। मैंने पूछा बेटे ये क्या हो, कह रहे बस मैं वो देखती हूँ। मैंने कहा यू क्या हो, छोटी सी बच्ची जो अवंतु जो जिसकी मेरे साथ वीडियो पढ़ रहे। मैंने पूछा ई, मैंने कहा बेटा फोन में क्या देखते हो, कह रहे बस मैं वो देखती हूँ। मैंने कहा यू क्या हो, बाद में फिर मैं खोल कर दिखाया उसने फोन में यूट्यूब पर खोल कर, कह रही मैं ये देखती हूँ। तो ये नहीं देखने बेटे। अभी देखो सीधे आधे बच्चों ने क्या करा, सूत्र भी डायरेक्ट खोल दे, समाकलन में डायरेक्ट कर रहे, पहले सूत्र ही खोल लो तभी हिस्सा। अब 2 का स्क्वायर करोगे ना, बैठेगा 4, इससे रूट कट जाएगा एक्स, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1, इससे काट दोगे कितना बैठेगा एक्स, माइनस 2 दूनी कितना बैठेगा 4, रूट एक्स क्या कट जाएगा रूट एक्स, ब्रैकेट बंद, पीछे का लिख लिख लोगे डी एक्स आई बराबर, यहाँ पे तो कितना घात है एक ही नहीं है, तो बैठेगा 4 एक्स स्क्वायर बटे में बैठेगा 2, प्लस 1 बटा एक्स का सूत्र क्या बैठेगा लोग एक्स, माइनस 4 4 का 4 एक्स नहीं होगा, प्लस कितना बैठेगा सी। कोई दिक्कत यहाँ तक, ऐसे करोगे सर 18 सवाल हो गए, कितने सवाल हो गए 18 सवाल हो गए, 19वां सवाल देने जा रहा हूँ तुम, जिसका आंसर नहीं आया तो उतार लो, ठीक। 19वां सवाल, चलिए चले देखते हैं कितना सवाल कर पाते हैं तुम भुला ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम छुपा सकोगे वो अंदाज हूँ, ढूंढता हूँ आई बराबर समाकलन, ये लिखा हुआ ब्रैकेट x की पावर 3, ये लिखा हुआ प्लस 3x, लिखा हुआ प्लस, ये लिखा हुआ 4 अपॉन रूट एक्स ब्रैकेट बंद, पीछे लिखा हुआ डी एक्स आई बराबर, बता दो इस सवाल को करके बता दो, ठीक। सिमरन तुम भी करके दिखा देना, सिमरन भी सब है वो, देख लो कैसे करोगे सर इस वाले सवाल को, कैसे करोगे 18वें सवाल को। अट्ठारहवा सवाल देखो कैसे करोगे, वो इधर देख लो 18वां सवाल कैसे करोगे, समाकलन एक्स की पावर, ये जो रूट एक्स है ना, रूट का मतलब 1/2 हो, इसे सबके बटे में ले जाओ, x की पावर 3 बटे x की पावर 1/2 प्लस 3x, ऐसी घात तो 1 हो, यहाँ एक्स की पावर कितना बैठेगा 1/2, क्योंकि इसका मतलब 1/2 ही, तो सबके बटे में ले जाओ उसे अलग अलग करके, 4 बटे x की पावर 1/2, पीछे लिखा हुआ डी एक्स आई बराबर समाकलन, ये एक्स एक्स एक बार लिख देते भाग में जाकर घात घट जाती है, एक्स ऐसे लिखा हुआ ना x की पावर m बटे में लिखा हुआ x की पावर n, कक्षा 9 के सूत्र हुए, एक्स एक्स एक बार लिख देते हैं जो भाग उसमें घात घट जाती है, एम बता एन घटा देते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं एम माइनस क्या, ऐसे लिखा हुआ ना कहीं देखो x की पावर 3 लिखा हुआ है, यहाँ यहाँ लिखा हुआ है x की पावर कितना लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ नहीं, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स एक्स था एक बार लिख दिया था, एक्स एक्स एक बार लिख दोगे, लिखने के बाद 3 बता 1/2 घटा दोगे, तो 3 माइनस के 1/2, तो बैठेगा आपका x की पावर 3 × 6, 6 में तक गए 5/2, यानी ऐसी चीज़ को हल करोगे कितना आया x की पावर 5/2, यानी ऐसी चीज़ को हल करोगे कितना आया, ऐसी चीज़ को हल कर आया x की पावर 5/2, चिन्ह क्या प्लस का, ये 3 तो एक बार लिख दोगे इसका मतलब नहीं है मुझे, एक्स एक्स एक बार लिख दोगे और जो ऊपर की घात है ना 1 में से 1/2 घटा दोगे, 1 में से ना 1/2 माइनस कर दोगे, तो जब माइनस कर दोगे 2 एक 2 2 में घटाओगे 1/2,
तो बैठेगा एक बटा दो, आया समझ में? चिन्ह कहेगा का प्लस का। अभी बताओ ध्यान से, देखो किसका गलत आ रहा था यहाँ से, तेरा गलत आ रहा था ध्यान से, देख सही आ रहा था कि घात या घात ऊपर जाएगा माइनस क्यों जाएगी, चार एक्स की घात कितना जाएगा माइनस के एक बटा दो, क्योंकि यहाँ कोई एक्स एक्स है ही नहीं है, तो यह घात ऊपर जाएगा माइनस की चली होती चली जाएगी, पीछे कितना बैठेगा डी एक्स। अब ऐसे सवाल करवाई नहीं, अब तो आराम से इसका समाकलन हो जाने वाला। आइए बराबर इसका समाकलन कैसे करोगे, एक्स की पावर पाँच बटे दो और प्लस कितना बैठेगा एक बटे में, इसी चीज़ है ना, यही चीज़ नीचे देखोगे पाँच बटे दो प्लस के एक, चिन्ह क्या है प्लस का, क्या लिखा हुआ तीन। जी जी जो जो भी सवाल बैठा था पिछली सीरीज में जिसका सवाल नहीं हो रहे थे, सभी कपे सवाल चेक करूँ कैसा कर रखे हैं, ऐसा सब भूल करके ले गए, प्रैक्टिस हो जाने वाली, सारे सवाल दोबारा रिपीट करके रहने, लेकिन जिस पर सवाल नहीं हो रहे थे ना उसे चार चार बार सवाल करना पड़ा। सब अनुन देखकर कर रहे, बिना देखे करना है सवाल, एक बार देखकर करो, दूसरी बार देखकर करो, तीसरी बार देखो कहाँ गलती हो रही, कहाँ मिस्टेक हो रही, फिर वो मेरे तक पूछो, ये हो सकता, लेकिन नहीं नहीं तो फिर रहने दो, फिर चक्कर माना पड़ो फालतू के, फिर कुछ और देख लो। एक जोड़ो उसमें एक बटा दो प्लस के एक बटे में एक बटा दो प्लस कितना लिखा हुआ एक प्लस चार एक्स की घात माइनस के एक बटा दो प्लस के एक बटे में माइनस के एक बटा दो प्लस के एक प्लस के सी, एक एक इसल कर लो, इसल कर लो। आइए बराबर कितना बैठेगा एक्स की पावर सात बटे दो, बैठेगा ना सात बटे दो, पाँच और दो सात बटे दो, यहाँ भी सात बटे दो बैठेगा, वो दो ऊपर नहीं चला जाएगा, दो ही दिन, समझ में आया ना बात क्या हुआ, चिन्ह क्या कहा प्लस का, यहाँ क्या लिखोगे तीन एक्स की पावर कितना बैठेगा दो एकम दो और एक तीन बटा दो, पूरे के बटे में तीन बटा दो ऊपर नहीं चला जाएगा, तीन दो नहीं तो बैठेगा छः, ऐसे कहा तीन तो तीन कट जाएगा, बात वही है, फिर भी काटोगे तुम दो तीन छः तब भी तीन नहीं आएगा, समझ में आया ना बात, ये तो तीन तो तीन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तीन दो नहीं छः तीन दो, समझ में आया नहीं बात क्या हो रहा है, चिन्ह क्या कहा प्लस का, चार एक्स की पावर तो माइनस के एक बटा दो हो, माइनस के एक बटा दो में तुम एक जोड़ोगे तो एलसीएम ले करो उस तरह, दो गुणा करो माइनस के एक प्लस के दो ही कम कितना बैठेगा दो, तो दो मत घटा कितना बैठेगा एक, एक बटा दो, यानी इस पूरी चीज़ को अलग करके एक बटा दो आया, एक बटा दो, तो फिर नीचे भी तो एक बटा दो ही आएगा, एक बटा दो प्लस कितना बैठेगा सी, ये दो ऊपर चला जाएगा, दो चौक आठ हो जाने वाला। आई बराबर क्या बैठेगा बताओ, दो एक्स की पावर कितना बैठेगा सात बटे दो, चिन्ह कहेगा प्लस का, फिर क्या लिखा हुआ एक्स, एक्स की पावर कितना बैठेगा दो, पहले दो ऊपर नहीं चला जाएगा, दो एक्स की पावर तीन बटा कितना बैठेगा दो प्लस, ये दो चार दो कितना बैठेगा आठ, एक्स की पावर कितना बैठेगा एक बटा दो, चिन्ह कहेंगे प्लस का, यह अंतर आया था हमारा। 18 सवाल हो चुके, 19वां सवाल दे रहा हूँ, एक वो भी करके दिखाना तुम यार, 20वां सवाल कितने सवाल हो गए, 18 19वां और 20वां सवाल, दो सवाल दे रहा हूँ मैं घर से, जब भी कल आऊँगा ना ये दोनों सवाल कराऊंगा क्लास में, ले लो सवाल। अच्छा 20वां सवाल है, 20वां सवाल है, ये 20वां सवाल दिया जा रहा तुम, चलो जब मैं क्लास में कल आऊँगा ना इसे डिस्कस करूँगा 20वां सवाल को, दे रहा हूँ तुम होमवर्क का तुम्हारा, घर से करके लेके आना, ई की पावर एक्स ब्रैकेट, ई की पावर एक्स ब्रैकेट लिखा हुआ साइन एक्स, साइन एक्स प्लस लिखा हुआ कोट एक्स प्लस लिखा हुआ एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स पूरे के अपोन लिखा हुआ साइन एक्स, क्या लिखा हुआ साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज, पीछे लिखा हुआ बैठे डी एक्स, लिखा हुआ डी एक्स। अब हमें ना इस पूरे को सोल्व करके इसका आंसर निकालना, ये 20वां सवाल हमारे पास मौजूद है, ठीक, यहाँ तो बताओ कोई दिक्कत है क्या, यहाँ कल हम अपनी बात यहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने सवाल करवाए एनसीईआरटी की किताब के अंदर 7 पॉइंट 1 के अंदर निशान लगवाने जा रहा हूँ कि कौन कौन सा सवाल तुम्हें करना ही होगा, ठीक, किसके जैसा, फिर मैं कल चेक करूँगा तुम पूछना कि यहाँ से सवाल नहीं हुआ, अपनी बुक खोल लो जो एनसीईआरटी की बोर्ड की बुक है तुम्हारी, निशान लगाओ, देखो निशान लगाओ कौन कौन सा सवाल करके ले करना, सब बच्चों सवाल कौन सा करना, नंबर फर्स्ट पहले नंबर पर 6ठा सवाल कोशिश कर सकते हो, आया समझ में, कोई बात नहीं मैं अपने आप करा दूंगा, 7वां सवाल 7वां सवाल 8वां सवाल 9वां सवाल 10वां सवाल 11वां भी 12वां मैंने भी कराया, 13वां सवाल भी मैंने कल कराया था, 14वें नंबर का 15वें नंबर का सवाल भी करा दिया गया, 16वें नंबर का सवाल भी बहुत आसान है, 17वें नंबर का सवाल भी बहुत आसान है, 18वें सवाल में sec x के अंदर गुणा कर देना होगा सही है, 19वां सवाल भी निकल कर आया था, 20वां सवाल भी इसके जैसा सही है, ठीक, कल वाला वीडियो देख लेना, आज शाम को वीडियो आज पहुंच जाएगा वीडियो, कल सुबह देख लेना बैठ कर,
एक काम करना, 21वें सवाल पर निशान लगाओ, ये भी ऐसे ही प्रति अवकलज का जहाँ लिखा है ना, प्रति अवकलज याद करो, इसका मतलब अवकलन नहीं हो। एक काम करो, एग्जाम्पल बच रहा, प्रति अवकलज का मतलब अवकलन, समाकलन, प्रति अवकलज हम समाकलन हो। एग्जाम्पल नंबर दो पर जाओ, एग्जाम्पल नंबर दो के अंदर ना चार तीन सवाल है, तीनों के तीनों करने होंगे। एग्जाम्पल नंबर तीन पर जाओ, एग्जाम्पल नंबर तीन के अंदर तीन सवाल है, तीनों के तीनों करने होंगे। जोन सा भी सवाल नहीं हुआ, कोई सा भी सवाल इनके अंदर तो नहीं हुआ, तो मैं कल यहाँ क्लास में डिस्कस करूँगा। क्लास नंबर हमारी कौन सी थी, या ये बताओ कौन सी क्लास थी हमारे यहाँ, तीसरी चौथी थी, आज हमारे यहाँ क्लास नंबर तीन थी, बता दिया करो मुझे कौन सी क्लास सबसे पहले स्टार्टिंग में। तो तीन क्लास हो चुकी है हमारे, समागलन की अब तक, ठीक। कल ना 7 पॉइंट जो एक होगी उसके एडवांस लेवल तक के सवाल करवा दूंगा मैं, कोई सी किताब उठाना सवाल कर लेना, 7.1 पर जो सवाल है तुमसे ज़्यादा किसी बनाते होंगे, गारंटी दे रहा हूँ, लिख कर दे रहा हूँ, समझ पाया बात। कोई सी भी किताब उठाना सवाल करना, आराम से कर लो कहीं का भी सवाल, ठीक। दूसरों से ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा बेहतर स्थिति पर पाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी ज़बरदस्त वाली, जहाँ दिक्कत हो रही पूछो, सवाल बिना देखे करना सीखो, प्रत्येक सवाल निकाल लो, समझ पाया बात है। इससे पता क्या होगा, पढ़ने के बाद इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो, मेन चीज़ हो, समझ में आया। पढ़ने के बाद क्या होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, नहीं तो तुम पता क्या, तुम गोल गोल चक्कर काटते रहोगे, मस्ती भी लेते रहोगे, दिमाग में एक ही ख्याल पलता रहेगा, यार इस बार तू तेरा बोर्ड भी, तेरा बोर्ड के अंदर क्या होगा यार, तुझे करना भी क्या जिंदगी में। इसलिए उसका एक ही इलाज हो, सिर्फ मेहनत करो, अपने आप को बिजी कर लो, बिजी, बिजी लाइफ इजी लाइफ, समझ में आया बात, डज नॉट मैटर। ओके, कल मिलते हैं क्लास में।